हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है जगत दीदी के लिए। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे, मैंने अभी उनका लाइव देखा, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बातें करने वाली हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इनसे पता करनी है, उन सब चीज़ों पर बात करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, आप सब लोग जानते हैं दीदी के काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट लोग तो कमेंट कर रहे हैं लेकिन मैंने तो फिर भी वीडियो में ही बात की थी कि पता नहीं क्यों दीदी के ब्लॉग्स नहीं आ रहे या दीदी हमारी बातों का जवाब नहीं दे रही हैं। और खैर, अभी भी नहीं दे रही हैं। दीदी ने आके सफाई दी है अपने वीडियो में, लाइव में, कि लाइव में उन्होंने बताया कि अभी सीजन का टाइम चल रहा है। जैसा कि मेरा पिछला रिएक्शन था बुटीक के ऊपर, तो बुटीक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम है। और दूसरी बात है कि इन्होंने प्रमोट किया था, तो अब ये अगर ये दिखाएंगी कि मैं वेली हूँ तो कोई काम आएगा नहीं, है ना। मेन तो बात यही है कि अगर जो इंसान खुद ही वेला बैठा है उसके पास पब्लिक वैसे भी नहीं जाती ये सोच के कि भाई ये तो पहले ही वेला बैठा है, इसके पास जाके करेंगे क्या, है ना। तो लोगों का ये होता है, जिसके पास काम होता है ऑलरेडी उसी के पास पब्लिक अपना काम कराना पसंद करती है। तो पहला इन्होंने वीडियो डाला जिसमें कि अपने पूरे उस बुटीक को प्रमोट किया। देन उसके बाद इन्होंने ये वीडियो डाला कि इन्होंने ये बताया कि लाइव डाला कि इनको बहुत सारा इनके पास काम है। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको मेरे से मिलना है तो मिलने के लिए भी आप लोगों को अपने घर का काम निकाल के मेरे बुटीक पे आना पड़ेगा, और आप बुटीक पे आके मुझसे मिल भी सकते हैं, प्लस मुझे काम भी दे सकते हैं। अगर आप फ्री में मिलना चाहते हैं तो मैं अभी नहीं मिलूंगी। इन्होंने क्लियर तरीके से ये चीज़ बोल दी। ये तो हो गई इनके काम से रिलेटेड बात, और ये एक ब्लॉग ना आने का एक रीज़न भी है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दीदी जो है ना, वो काफ़ी सारे ब्लॉग्स जो है अपने वो हटा रही हैं, पुराने ब्लॉग्स। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि इनके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मेन रीज़न यही है कि व्लॉग्स ना आने का कारण यही है कि वो पिछला जो अपना पूरा तामझाम इन्होंने छुपा के, और जिन बेसिस पे इन्होंने फेमस हुई है ना, जो जो रायते फैलाए हैं वो सारों को समेट रही है इस टाइम पे बैठ के, क्योंकि इन्होंने रायते इतने फैला रखे हैं, इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने कितनी ज़्यादा खिचड़ियाँ बना दी हैं लाइफ में अपनी। हम लोगों ने तो चलो जो देखा वो देखा, लेकिन अभी जो इन लॉज वाली फैमिली है, उनकी फैमिली या वो लोग उन सब चीज़ों को ज़्यादा ना देखें, तो इसलिए वो रायतों को अपनी शादी से पहले पहले हटाना चाहती हैं और हटा भी रही हैं। मेन रीज़न इनका गायब होने का कहीं ना कहीं ये है। और दूसरा रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग इनके जो वुड बी हस्बैंड होने वाले हैं उनके बारे में काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं। क्यों एन ए वीडियो के लिए भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि पब्लिक क्वेश्चन पूछे तो मैं आंसर करूँ, लेकिन पब्लिक के 98% क्वेश्चन यही थे कि आपके वुड भी करते क्या हैं, क्या है उनका बिजनेस, क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ें तो मैंने भी पूछी हैं कि वो बिजनेसमैन कौन से कैटेगरी में हैं। फिल्टर वाला कोई बोल रहा है, कोई फोटोग्राफर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद सगाई होते ही दूसरे चौथे पाँचवें दिन ही उनको व्लॉगिंग करना स्टार्ट करना पड़ गया। आज की डेट में वो इंस्टाग्राम पे भी बहुत तगड़े भगड़े डाल रहे हैं पोस्ट, तो मेरे को इतनी हंसी आ रही है। मतलब इतना बिजनेसमैन भी वेला होता है, मैंने तो आज पहली बार देखा है ये चीज़ कि जिसके पास व्लॉग्स करने का भी टाइम होता है। मेरे को नहीं पता था, क्योंकि भैया हमारे घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अब हम कैसे जानेंगे, हम तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर को ही देख के जानेंगे ना। हाँ, सारी बातों का मिला जुला के मैं दीदी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ कि दीदी आप एक बात ज़रूर बताइएगा, आप जो ये रायता समेट रही हैं वो किस लिए समेट रही हैं? मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, क्या रीज़न है वो सारी व्लॉग्स हटाने का या ऐसी चीज़ें करने का? कोई तो रीज़न होगा तभी आप कर रही हैं। दूसरी बात है कि आप जो लोगों को डरा डरा के रखती हैं, वो इतना ज़्यादा डरा के रखती हैं, वो चीज़ें तो हमने बहुत ज़्यादा देखी ही हैं, नोटिस किया है हमने बहुत सारी चीज़ें। तो वो आप जो इतना डरा धमका के पब्लिक को रखती हैं या किसी दोस्त को रखती हैं या रिश्तेदारों को या फैमिली को, वो आप कहाँ से क्यों डराती हैं? आप अपने आप को क्या समझती हैं? वो चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है बहुत सारे लोगों का ये स्टेटमेंट आया है कि आप डराती हैं। उसके बाद आपका कहना है कि लोग हमसे डरते हैं, या पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा है
मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कुछ ना करो और फिर भी पब्लिक पागल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो रायते सिमेट रही हैं, वो तो चलो सिमेट रही हैं, लेकिन क्यों सिमेट रही हैं ये जवाब ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात कि आपके वुड भी करते क्या हैं वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जानने में, इतने दिनों से रायता फैला है, कुछ तो सच बता दो। दूसरी चीज़ है, जितनी भी सारी आपने कहानी सुनाई है वो कहानी हम लोगों ने सुनी है, लेकिन आज की डेट में वो सारी कहानी हटाई क्यों जा रही है? आपका कहना बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ है, तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। आपका कहना ये भी है कि काफ़ी सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि दी भाभी की गुड न्यूज़ है तो तब करके ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तो गाइज ऐसा नहीं है, उनकी गुड न्यूज़ आएगी तो हम फटाफट वीडियोज़ डालेंगे। तो यहाँ मैं ऑडियंस को बोल दूँ कि भाई आप लोग गलत सोच रहे हो, आप लोगों का सोचना ये है कि गुड न्यूज़ आएगी तो ये लोग बिज़ी हो जाएंगे। वो बिज़ी सिर्फ हम लोग होते हैं जो व्लॉग्स नहीं करते हैं, हम लोग बिज़ी होते हैं, लेकिन एक व्लॉगर के लिए ये सारी चीज़ें तो कंटेंट है, और इन्हीं वीडियोस को तो ट्रेंडिंग में ले जाना होता है इनको, कि अगर ये बिज़ी हो जाएंगे तो इनकी वीडियो कौन डालेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं व्लॉगर्स की लाइफ में, हमारी लाइफ और व्लॉगर्स की लाइफ बहुत अलग होती है। तो आप लोग ऐसी कोई फालतू की चीज़ें मत सोचिए, रियलिटी वाली चीज़ें तो सिर्फ हमारी लाइफ में होती हैं, व्लॉगर्स की लाइफ में नहीं होती हैं। तो ये व्लॉगर्स हैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा अपने दिल को शांति रखिए। रही बात भाभी की, तो गुड न्यूज़ बहुत जल्द आने वाली है, हमें भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। बाकी जो भी सवाल मेरे थे, आई होप कि दीदी जवाब नहीं देंगी, उनका भी नहीं देंगी, मुझे पता है देने वाली तो है नहीं, क्योंकि रियलिटी कौन बताता है, कोई नहीं बताएगा, है ना? अगर रियलिटी बता देंगी तो पूरा गेम ही ख़त्म हो जाएगा उनका। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को भी कुछ जानना है, क्योंकि देखिए पुराना सारा खिचड़ी डिलीट होती चली जा रही है, क्यों हो रही है वो तो बताना पड़ेगा ना इनको, है ना? तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं तो Q&A का वेट कर रही हूँ, जैसे ही Q&A आएगा मेरा रिएक्शन आएगा तड़कता भड़कता, आप लोग जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।